नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा ये अकेडमी में। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप सबके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बायोफ्यूल के बारे में। जी हाँ, बायोफ्यूल, अगर देख लीजिएगा हमारे देश में, इंडिया में बायोफ्यूल की सस्टेनेबिलिटी को लेकर बात उठाई जा रही है और बोली जा रही है। दैट हम लोग जो बात कर रहे हैं, दैट आने वाले समय में हम लोग हाइड्रोकार्बन का यूटिलाइजेशन को रिड्यूस करके वी विल जंप ऑन टू बायोफ्यूल्स, तो क्या ये कहाँ तक यू नो अचीवेबल है? क्या ये पथ इतना इजी है या फिर कॉम्प्लेक्स है? सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। नाउ डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं यहां पे, दैट इस टॉपिक को आप मेंस जीएस पेपर 3 में कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, सोलर एनर्जी एंड इट्स यूजेज इन डिफरेंट सेक्टर्स, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर, इन सब में इंक्लूड कर सकते हो। तो चलिए हम लोग ये इस पूरे आर्टिकल में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोफ्यूल्स के बारे में, हम लोग डिस्कस करने वाले डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बायोफ्यूल्स, उसमें इंडिया का क्या पोजीशन है, क्या क्या स्टेप्स चाहिए जिससे हम लोग इस बायोफ्यूल ट्रांजेक्शन को और भी ज्यादा स्मूथ कर सकते हैं, और क्या क्या वे फॉरवर्ड, कुछ कुछ पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द यू नो एक्सपर्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से भी हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे, जिससे क्या एक होलिस्टिक कवरेज हो सके इस पूरे टॉपिक का और आपको एक यू नो आइडिया बहुत अच्छे तरीके से मिल सके इस पूरे टॉपिक के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग बायोफ्यूल के बारे में बात करेंगे। बायोफ्यूल यह होता क्या है? देखो, यह भी एक हाइड्रोकार्बन फ्यूल ही है जिसको हम लोग कैसे यू नो एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। जी हाँ, वो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर्स भी हो सकता है या फिर यू नो मरा हुआ ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है, राइट? एंड इट इज यू नो कॉल्ड बायोफ्यूल, दैट इज वी आर एक्सट्रैक्टिंग इट विद इन अ वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे क्या होता है ना, जैसे आप ले लो जैसे नॉर्मल तेल है ना, हम लोग जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो तेल जो बायोफ्यूल बना होगा वो लाखों सालों से बना होगा यार। बट ये जो चीज है ये लाखों साल नहीं लगते बनने में, ये फ्यूल बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विद इन फ्यू डेज, वीक्स या फिर इवन विद इन मंथ्स भी वी कैन एब्सोल्युटली मेक दिस बायोफ्यूल। बायोफ्यूल सॉलिड भी हो सकता है जैसे वुड, ड्राई प्लांट मटीरियल्स एंड मैन्योर। बायोफ्यूल लिक्विड भी हो सकता है, बायोइथेनॉल, बायोडीजल इज वेरी गुड एग्जाम्पल। और बायोफ्यूल गैसेस भी हो सकता है, जी हाँ, बायोगैस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इट। बट बायोफ्यूल की जहां तक बात करें, ये बायोफ्यूल जो है ना उसको यूज किया जाता है जिससे वो रिप्लेस की जा सके हम लोग डीजल या फिर पेट्रोल या फिर कोई भी अदर फॉसिल फ्यूल्स को ट्रांसपोर्टेशन या फिर डिफरेंट अदर एप्लीकेशंस के लिए। इनसे हम लोग हीट भी जनरेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। एंड मेन जो रीजन है ना फॉर शिफ्टिंग टू बायोफ्यूल्स, वो क्या है पता है? वो क्योंकि दुनिया भर में आप देखो ऑयल के प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं क्या नहीं? जी हाँ, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस बढ़े जा रहे हैं फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, यस एब्सोल्युटली, है ना। इंटरेस्ट जो है ना इन ऑब्टेनिंग फ्यूल फ्रॉम एग्रीकल्चर क्रॉप्स वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इससे फायदा होगा फार्मर्स को हमारा, और आपको तो पता ही है हमारे देश में क्या एम है, दैट फार्मर्स के इनकम को डबल किया जा सके। और उसके लिए जो बायोफ्यूल ट्रांजिशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट कैटेगरी अगर बात करें बायोफ्यूल्स का, दैट इज बायोफ्यूल का जो प्रोडक्शन होता है ना अलग अलग तरीके से होता है। जैसे एक होता है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, एक होता है सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल, एक होता है थर्ड और फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स भी है। पहला जनरेशन बायोफ्यूल मतलब ऐसा सोर्स से हम लोग बायोफ्यूल जनरेट करते हैं जिसका कंटेंट हाई कार्बन कंटेंट होता है, जैसे एडिबल आइटम जैसे शुगर, कॉर्न स्टार्च, इनसे हम लोग बायोफ्यूल जनरेट करते हैं। सेकेंड जनरेशन क्या है? सेकेंड जनरेशन भी फूड क्रॉप से ही करते हैं बट मेनली फ्रॉम द लेफ्ट ओवर ऑफ द फूड क्रॉप्स, जिससे ग्रीन हाउस कंटेंट जो होता है ना वो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल से तो कम ही रिलीज होता हुआ हमको दिखता है, जैसे राइस हस्क, वुड चिप्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, ये बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल होता है, दैट इज कार्बन न्यूट्रल बोलते हो, जितना CO2 एमिट होता है उतना CO2 सिक्वेस्ट्रेशन भी हो जाता है, और इसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग बेसिकली पैदा करते हैं जैसे एल्गीज। और फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल जो होता है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स से यू नो हम लोग आराम से कर सकते हैं, एंड ये तो उल्टा कार्बन नेगेटिव होता है। ये सब तो चलो कार्बन न्यूट्रल हुआ, पहला वाला दूसरा वाला कार्बन ऑफकोर्स एमिट करता है, दूसरा वाला कम कार्बन एमिट करता है देन पहला वाला, बट तीसरा वाला ये क्या है, कार्बन नेगेटिव है क्योंकि इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से तो क्या नहीं किया जा सकता है। इंडिया में अगर बायोफ्यूल्स का स्टेटस देखें तो यस, इंडिया में बायोफ्यूल्स जो पैदा किया जाता है ना मेनली 1G इथेनॉल ही होता है, फर्स्ट जनरेशन टेक्निक के थ्रू हम लोग पैदा करते हैं। और हमारा पॉलिसी टारगेट भी है 2025-26 तक हम लोग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे विद पेट्रोल, है ना। और कहां से एक्स्ट्रा करेंगे इस चीजों को? यस, शुगर केन फूड ग्रेन से,
क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए इस सेक्टर को और भी ज्यादा प्रमोट करने के लिए? देखो, एक तो इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसीज हमारा होना चाहिए, एंड दिस हैज टू बी ए गुड स्ट्रैटेजी जिससे हम लोग डील कर सके सरप्लस शुगर प्रोडक्शन. एब्सोल्युटली. एक्चुअली देखो ना, शुगर अगर प्रोडक्शन सरप्लस हो, इससे क्या हो जाएगा? अनडाउटली उसको चीजों को हम लोग आराम से रिडायरेक्ट कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल. इससे फायदा क्या होगा? फार्मर का इनकम भी इंक्रीज होगा. जी हाँ, एब्सोल्युटली, है ना. तो अभी क्या होता है, अभी की तरह से जो अगर फार्मर का इनकम देखोगे, ये काफी ज्यादा अच्छा रिम्यूनरेशन प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को, राइट. और इससे क्या होगा दैट अभी जो हम लोग वो करते थे ना, सरकार का जो इनिशिएटिव रहता था, एक्सेसिव इनिशिएटिव फार्मर को, उतना जरूरत भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी फार्मर इससे यू नो दे विल बी मेड प्रॉस्पर्स, है ना. सस्टेनेबल बायोफ्यूल नीड्स टू बी प्रोड्यूस फ्रॉम क्रॉप रिड्यूस एंड अदर वेस्ट, जिससे ग्रीन हाउस गैस का जो फुटप्रिंट है वो भी हमारे दुनिया में कम हो. और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी फॉर्म किया गया G20 समिट में, ये तो आपको पता ही है. इससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट आने वाले समय में सस्टेनेबल बायोफ्यूल जो है इसका अडॉप्शन स्ट्रेंथन होगा कहीं ना कहीं हमारा. इनफैक्ट अगर आपको देख लीजिएगा ग्लासगो समिट ऑफ COP26, उसमें पंचामृत योजना के तहत ये सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे. अब इसमें देख लो, एक चीज लिखा हुआ है, इंक्रीज फॉसिल नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी बाई 500 GW बाई द ईयर 2030. इसमें क्या है, बायोफ्यूल्स भी तो है भाई इंक्लूडेड, है ना. दूसरा देखो ना, कार्बन फुटप्रिंट को घटाना है. ये सब क्या है इसका मतलब, समझा करो. कहीं ना कहीं जो हमारी पॉलिसीज है ना, ब्रॉड पॉलिसी गोल के अंडर ही हम लोग ये बायोफ्यूल्स के रिलेटेड जो भी स्टेप्स ले रहे हैं वो एक ब्रॉड पॉलिसी गोल के अंडर ही लिया जा रहा है. और भी क्या क्या वे फॉरवर्ड आप सुझा सकते हो? जी हाँ, आप बोल सकते हो दैट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के तहत भी बोला गया है दैट अगर हमें नेट जीरो एमिशन 2050 तक ग्लोबली अचीव करना है तो यस, सस्टेनेबल बायोफ्यूल प्रोडक्शन को ट्रिपल करना पड़ेगा बाय द ईयर 2030. वैसे अगर देख लोगे 1G इथेनॉल का प्रोडक्शन सब तरह तो फिट नहीं हो रहा है, इसलिए हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा 2G इथेनॉल को भी. इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूं यू नो 4G इथेनॉल को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, है ना. इनफैक्ट एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन रिपोर्ट एक आया था ऑन बायो रिसोर्सेज विद नेट जीरो एमिशन इकोनॉमी, उसमें भी रिकमेंड किया गया था दैट बायोमास को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा फॉर द यूज इन सेक्टर जहां पर लो कार्बन ऑल्टरनेटिव्स, लिमिटेड लो कार्बन ऑल्टरनेटिव्स है, राइट. तो ये सब अगर सब कुछ चीजें अगर हम लोग कर रहे हैं तो इंश्योर क्या करेंगे हम लोग यही ना इंश्योर कर सकते हैं दैट यस, आने वाले समय में जो बायोफ्यूल का प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज किया जा सके और उससे हम लोग बेनिफिट्स ज्यादा ऑप्टेन कर सके, राइट. सो इसी के साथ जो है ये होलिस्टिक टॉपिक अबाउट द बायोफ्यूल, जो कि कोई भी अगर आपका मेंस का क्वेश्चन आ जाए आशा करता हूँ आप आराम से ये सॉल्व कर सकते हो, राइट. सो एनीवेज गाइस, आशा करता हूँ ये चीजें अच्छी लगी होगी. यार अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज यू कैन शेयर दिस वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एज वेल. This is all about the discussion that we had for this very session. Milte hain aap sabke saath next session mein. Till then, bye bye. Take care and thank you for listening to the whole video. Thank you very much.